बांग्लादेश में जो मौजूदा स्थिति है इसे लेकर अब पाकिस्तान कैसे खुश नजर आ रहा है, इससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को मैं बता देती हूं। देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि बांग्लादेश के हालात पर पाकिस्तान में मीटिंग हुई है। रावलपिंडी में सेना के हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट पर जश्न मनाया गया है। ISI चीफ भी उस मीटिंग में शामिल थे। जमाते इस्लामी से बैन हटाने पर भी बात हुई है उस मीटिंग में। बांग्लादेश में बैन है जमाते इस्लामी संगठन, और अब वहां पर यह बैन हटाया जाए इसको लेकर चर्चा की गई है पाकिस्तान में। तो रावलपिंडी में सेना के हेडक्वार्टर में यह मीटिंग हुई। सूत्र जानकारी दे रहे हैं जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, जो तख्ता पलट हुआ है, इस पर जश्न पाकिस्तान में भी। आशीष, देखिए, बांग्लादेश के अभी जो सेना प्रमुख हैं वकीरुज्जमान, मैं आपको एक बैकग्राउंड बताता हूं कि इनका जब अपॉइंटमेंट हो रहा था बतौर बांग्लादेश आर्मी चीफ, तो भारत ने बाकायदा शेख हसीना को, जो कि इतनी क्लोज फ्रेंड थी भारत की, आगाह किया था कि आप उनको आर्मी चीफ न बनाएं क्योंकि वो बहुत क्लोजली काम करते हैं पाकिस्तान सेना के साथ मिलकर के। साइमल्टेनियसली आप देखें, वो शेख हसीना उनकी सरकार गई जो भारत की पारंपरिक एज ओल्ड पुरानी फ्रेंड रही है। ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, बड़ा लाजमी है कि पाकिस्तान को एक अपनी अपॉर्चुनिटी वहां नजर आ रही है। और जमाते इस्लामी को तो बैन ही अभी 2-3 दिन पहले किया था शेख हसीना ने, या माफ कीजिएगा 4 या 5 दिन पहले। तो अब ये और बात को स्थापित करता है जिस तरह से मीटिंग करके सेलिब्रेट किया गया है कि इस स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने, आग को और भड़काने में सीधे पाकिस्तान और उसकी एजेंसी इन्वॉल्व थी। और अब ये बड़ा चिंता का विषय होना है, भारत कैसे इसको नेविगेट करता है, ये हमारे लिए एक बड़ा प्रश्न होगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारत को बहुत कंसिडर्ड और अपने एलाइज को साथ में लेकर के किसी तरह से इसको कंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान को बाकायदा एक्सपोज करना चाहिए कि बांग्लादेश में ठीक है जो इंटरनल डिस्टरबेंस थे उसको, उसमें आग कैसे पाकिस्तान ने भड़काई। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप। और ये जश्न जो पाकिस्तान में रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय में मनाया जा रहा है, ये बताता है कि आखिर भूमिका बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की उसमें पाकिस्तान की क्या है। देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बीच एक बड़ी खबर और आ रही है। अभी भी जो हिंसा की घटनाएं वो वहां पर थम नहीं रही, अभी भी घटनाएं हो रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय में जमकर लूटपाट हुई है। PMO से लगभग सभी फाइलों को चोरी कर लिया गया है। प्रदर्शनकारी है, सब कुछ तहस नहस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ जगहों पर सेना पर भी हमले की खबर है। मनोज्ञा, मतलब सेना कह रही है कि सब कंट्रोल कर लिया जाएगा, फिर अभी तक क्या इतना मुश्किल हो पा रहा है उन स्टूडेंट्स पे, उन प्रदर्शनकारियों पर कंट्रोल करना? हिंसक घटनाएं अब भी जारी है। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना बार बार एक ही बात कह रही थी कि ये छात्र आंदोलन की आड़ में एक बहुत बड़ी मुहिम है सरकार को पूरी तरह से तख्ता पलट की ओर लेकर जाने की, और उनका अंदेशा और उनकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही नजर आ रही है। क्योंकि अगर ये छात्र आंदोलन होता तो फिर अपनी मांगों के पूरे होने के बाद वो कम से कम थम जाता या कम हो जाता, पर ऐसा है नहीं। जब आपके देश की प्रधानमंत्री देश छोड़कर जा चुकी है, उन्हें 45 मिनट का समय दिया गया और उसके बाद अब वापस लाने की बात हो रही है कि वापस लेकर आइए और उन पर मामले चलाइए और उन पर पूरी तरह से जुडिशरी के अंदर कब्जे में लेकर या फिर जेल भेजने की तैयारी की जाए, तो इसकी मंशा में सिर्फ और सिर्फ छात्र आंदोलन तो नहीं है। और सेना के हाथ में अभी तक कितना कंट्रोल आया है ये तस्वीरें तो बामुश्किल बयां कर रही हैं कि पूरी तरह से कंट्रोल आ नहीं सका है। ABP News आपको रखे आगे।